बिलासपुर के जय स्तंभ को क्षति पहुंचाने, अपमानित करने, जय स्तंभ परिसर में अवैध निर्माण कर जबरदस्ती कब्जा करने और जाति सूचक गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले के विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग की गई है। इस घटना से नाराज लोगों ने जे सिविल लाइन थाना का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल इन दिनों भूमाफियाओं का जोर है और खाली पड़ी जमीनों को कब्जा करने का सिलसिला जारी है। सिविल लाइन थाना पहुंचे पीड़ितों ने एक स्वर में आवाज बुलंद की। सतनामी समाज के लोगों ने गंभीर आरोप लगाया है। समाज के लोगों ने कहा कि बेवजह भूमाफिया जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान हुए विद्या शंकर भारद्वाज निवासी मिनीमाता नगर तालापारा ने कहा कि हमारे मोहल्ले में लगभग 10 डिसमिल जमीन पर हमारे समाज का धार्मिक प्रतीक जय स्तंभ विगत 40 वर्षों से स्थापित है, जिसकी प्रतिदिन पूजा आरती पुजारी जगन्नाथ लहरे तथा हमारे समाज के द्वारा की जाती है। प्रतिवर्ष दिसंबर में बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाई जाती है, जिसमें बिलासपुर शहर के सतनामी समाज के लोग तथा अन्य सभी लोग शामिल होते हैं। समाज में 5 बजे हमारे जय स्तंभ परिसर में कुछ लोग जय स्तंभ को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से खुदाई किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि बिलासपुर नगर निगम के सभापति ने उपरोक्त जय स्तंभ के संरक्षक व पुजारी जगन्नाथ लहरे को उपरोक्त जय स्तंभ को छोड़ने के लिए कई बार धमकी दे चुका है, जिसकी वजह से जान का खतरा बना हुआ है। सतनामी समाज के लोगों ने एकजुट होकर जमकर विरोध किया है। साथ ही कहा कि इस तरह से जमीनों पर कब्जा होगा तो समाज के लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर सिविल लाइन थाना का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें समाज के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। बताएंगे कौन लोग के ऊपर आपको लोग को शक जा रहा है कि क्या किए हैं यहाँ? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का धार्मिक स्थल पर सुनियोजित ढंग से जय स्तंभ को तोड़ने, जय स्तंभ को काटने, जय स्तंभ को जला देने का षड्यंत्र चल रहा है। ये कुछ मुट्ठी भर समाज के लोग हैं जो 56 लाख सतनामी को चुनौती दे रहे हैं। उसी तारतम्य में कवर्धा में जय स्तंभ जलाया गया। सरकार के इशारे पर बिलासपुर के नेहरू नगर के जय स्तंभ और मंदिर को तोड़कर फेंका गया है। मिट्टी तेल गली के जय स्तंभ को तोड़कर जेसीबी में बांध के घसीट के फेंका गया है। अगली कड़ी में ये बिलासपुर में पिछले 25 साल से जय स्तंभ स्थापित है। यहाँ हमारे समाज के लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं, 18 दिसंबर पर जयंती मनाते आ रहे हैं। इस जगह पे बिलासपुर शहर के कुछ भूमाफिया, जिनकी संख्या गिनती में 5 से 6 है, वो लोग हम 56 लाख सतनामी को चैलेंज करने का, चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हैं। मैं अपने समाज के ताकत से उनको कहना चाहता हूँ, इस सरकार को कहना चाहता हूँ कि हमसे टकराने की भूल नहीं करना, वरना हमारे समाज में वो ताकत है, हमारी जनसंख्या में वो ताकत है कि हमारे धार्मिक स्थल पर अगर हमारे जमीन पर नजर उठाकर देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हम खुद ज्ञात हुआ, पूरे समाज के लोग यहाँ पर आए हैं और यह निंदनीय है। और जबकि पहले से पता था कि यहाँ सतनामी समाज का आस्था का जगह है, ये उसको भूमाफिया लोग जबरन जो कब्जा कर रहे हैं, ये निंदनीय है और इसके विरोध में हम पूरे सतनामी समाज नाम बताएंगे। जय बिलासपुर जी, बताएंगे क्या सूचना मिला था आपको, यहाँ पे क्या हुआ है? हमको ये सूचना मिला कि हमारा जो जय स्तंभ है, हमारा समाज का जो धरोहर है, वहाँ पता चला कि भूमाफिया द्वारा यहाँ जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। लेकिन ये एक चीज मैं बता दूँ भूमाफिया को कि दूसरा जिला टाइप का ये मत समझिए, ये बिलासपुर जिला है। यहाँ जिस तरीके से कब्जा कर रहे हो ना, जो कब्जा कर रहे हैं उसके घर तक हम लोग जाके कब्जा करेंगे। ये हमारे सतनामी समाज द्वारा आह्वान है। मैं उन भूमाफियाओं को बोलना चाहता हूँ कि अगर आज गलती कर लिए, दोबारा अगर गलती करेंगे तो यही हसरा तुम्हारे घर में जाके करेंगे। ये पूरा हमारा सतनामी समाज। एक आपका नाम? सागर बंजारे, जिला अध्यक्ष सतनामी समाज।